हेलो दोस्तों, एपेक्स करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म पर। एक साथ पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म। यहाँ पर इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जितने भी धर्म के टॉपिक हैं वो एक साथ करेंगे। पहला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म। आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। कभी कभी कुछ लोग इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, तो ध्यान रखना ये एक ही नाम है, कुछ भी नाम बोल दो। अगर हम इनकी बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो आपको पता होगा 563 BC में एक जगह है लुम्बिनी में। इस पे आजकल विवाद चल रहा है। आपको पता होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री जी ओली साहब, वो भगवान राम पर और भगवान बुद्ध पर आजकल ज़्यादा ही बयान दे रहे हैं। इस वजह से ये चर्चा में बन गया है ये टॉपिक। लुम्बिनी नेपाल में पड़ती है। तुम्हारे विदेश मंत्री साहब ने बयान दिया था कि भगवान बुद्ध भारत और नेपाल दोनों की विरासत हैं, जिस पर ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ। अगर हम बात करें कि इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, तो आपको पता होगा उसका नाम महामाया। अगर हम पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोदन। क्या नाम था? शुद्धोदन। लेकिन इनकी जो माता थी महामाया, महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद खत्म हो गई। इनके जो बचपन का नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो नाम था सिद्धार्थ। इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी ने किया था, क्योंकि इनकी जो माता थी वो तो जन्म देने के 7 दिन बाद खत्म हो गई थी, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। गौतमी ने इन्हें पाला पोसा था, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गौतम बुद्ध नाम क्यों पड़ा, तो आपको करना है इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि इसकी शादी कर दी जाए। इनकी भी शादी कर दी गई, पत्नी आई और पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अब एक बात बताइए, ये पत्नी ये पति, तो बच्चा तो होगा ही होगा। इनका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम था राहुल। एक रथ हाँकने वाला इनका सारथी था, उसका नाम था चन्ना। एक घोड़ा था, एक घोड़े का नाम था कंथक। ये तुम्हारा जीवन परिचय था महात्मा बुद्ध का। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, किसकी? पूर्व जन्म की जो कहानियाँ हैं वो जातक ग्रंथ में। किस ग्रंथ में है? जातक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जातक ग्रंथ हमें बताता है, तो आंसर होगा इसका महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानियाँ। अब महात्मा बुद्ध अपना ग्रस्त जीवन व्यतीत करते करते 29 साल के होते हैं। कितने वर्ष के हो जाते हैं? 29 वर्ष के। प्रत्येक व्यक्ति की उम्र तो बढ़ती ही है, तो इनकी भी बढ़ रही थी। 29 वर्ष की अवस्था में अपना ये जीवन व्यतीत करते करते परेशान हो गए फैमिली में। इन्होंने 4 दृश्य देखे और आप तो एक दृश्य देख लेते हो तो खोपड़ी खराब हो जाती है। इन्होंने 4 दृश्य देखे।
पहला दृश्य देखा, एक रोगी आदमी लुम्बिनी शहर की यात्रा पर निकल पड़े थे, जो अशोक का सातवां स्तंभ लेख हमें बताता है, शिलालेख बताता है, जो सबसे लंबा शिलालेख है। मैंने आपको बताया था कि राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था। यहाँ पर क्या था कि जो महात्मा बुद्ध थे अपने सारथी चन्ना को लेकर के लुम्बिनी शहर की यात्रा पर निकल जाते हैं। लुम्बिनी शहर की यात्रा करते करते इन्हें चार दृश्य दिखाई देते हैं। पहला, एक रोगी आदमी दिखाई देता है, इन्हें बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। दूसरा, इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है। तीसरा, एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है। और चौथा, सन्यासी दिखाई देता है। जा रहे थे, सांसारिक चीज़ों का इन्हें ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमेशा महल में बंद रहते थे। पहली बार महल से बाहर आए थे। सारथी चन्ना रथ हाँक रहा था, उसमें बैठे हुए थे बुद्ध। उसमें जैसे ही पहला दृश्य दिखाई दिया, रोगी आदमी दर्द के मारे कैं कैं कर रहा था। इस चीज को सिद्धार्थ ने, यानी गौतम बुद्ध ने चन्ना से पूछा, जो इनका सारथी था, कि क्या हो रहा है। बोला, महाराज इसके दर्द हो रहा है। तो सिद्धार्थ बोले कि ये तो जीवन बड़ा कष्ट में है, इसका जीवन खराब है। दूसरा, एक वृद्ध आदमी भूख से बिलख रहा था, क्योंकि वृद्धावस्था बड़ी खराब बताई है, इसका भी जीवन खराब कर दिया। तीसरा, मृत व्यक्ति देखा कि ये क्या हो रहा है, भीड़ में लेकर के जा रहे थे उसको अंत्येष्टि संस्कार के लिए, अब सांसारिक ज्ञान था ही नहीं, पहली बार ये दृश्य देख रहे थे। वो चन्ना से बोले, यहाँ चन्ना क्या हो रहा है। तो चन्ना बोला, महाराज एक आदमी खत्म हो गया है, उसको लेके जा रहे हैं अंतिम यात्रा पर। जब ये सिद्धार्थ ने देखा कि यही जो जा रहा है यही, कि हाँ महाराज यही, कि ये तो दादागिरी कर रहा है, दुनिया ये सब नीचे चल रहे हैं, ये सबके ऊपर चल रहा है। ध्यान रखना कि मरने के बाद दुनिया हमसे नीचे चलती है, हम दुनिया के ऊपर चलते हैं। और जब तक जिंदे हैं दुनिया हमसे ऊपर होती है, हम दुनिया के नीचे होते हैं। ये नीचे ऊपर का जो खेल है, ये जिंदगी भर चलता रहता है। यहाँ पर मृत व्यक्ति के बाद एक दिखाई दिया सन्यासी आदमी, इस मृत व्यक्ति का जीवन भी बेकार कर दिया, कि सांसारिक जीवन में इसका भी जीवन कष्टदायी है। चौथा देखा, सन्यासी व्यक्ति, ये जीवन महात्मा बुद्ध को सबसे अच्छा लगा। ये दृश्य देख करके इन्होंने भी इच्छा जागृत हुई, इन्होंने सोचा कि आज मुझे भी गृह त्याग करना है। घर पहुंचे, पत्नी यशोधरा जी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो। बुद्ध साहब बोले कि हम घूम के आ रहा है, रात को अपने पुत्र को और पत्नी को सोता हुआ छोड़ के 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। तो आपको पता हुआ 29 ईयर्स, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने से पहले कितने दृश्य देखे, चार दृश्य। महात्मा बुद्ध के अनुसार सबसे अच्छा जीवन किसका बताया जाता है, सन्यासी का, मतलब बौद्ध धर्म सन्यासी जीवन को सबसे अच्छा बताता है। 29 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग की जो घटना थी वो क्या कहलाती है, ये घटना पूछ ली जाती है ना, याद कर लेना। गृह त्याग की जो घटना थी वो महाभी निष्क्रमण कहलाती है। क्या कहलाती है, महाभी निष्क्रमण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, महाभी निष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 29 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग करने से पहले कितने दृश्य देखे, चार दृश्य देखे। यहाँ पर गृह त्याग करने के बाद, ये कर्नाटक में एक जगह थी उरुवेला। क्या जगह थी,
उरुवेला, उरुवेला नामक स्थान पर 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। कितने वर्षों तक? 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, नहीं हुआ ज्ञान प्राप्त। अब यह ज्ञान प्राप्त से मतलब ये कदापि नहीं था कि इन्हें हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं आई है। यहाँ ज्ञान प्राप्ति का मतलब था दीपक का बुझ जाना, यानी अंदर जो इच्छाएं जागृत हैं उनका शांत हो जाना। क्योंकि महात्मा बुद्ध कहते थे कि सभी दुखों का मूल कारण व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, लेकिन वर्तमान में अगर कह दें कि इच्छा खत्म, तो उसे कोई पागल बता देगा कि ये किसी काम का नहीं है। फिर पता नहीं है उसे शनिवार और रविवार को कहां कहां बुलाया जाएगा। यहां पर ज्ञान प्राप्त 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद भी नहीं हुआ, तो सुजाता नाम की एक लड़की थी, उन्हें वो गई और उसने खीर खिलाकर इन्हें उपवास तोड़वा दिया। किसका? महात्मा बुद्ध का। इन्होंने कहा कि जगह बदल के देखते हैं, जगह बदली। कहाँ पहुँच गए? बोध गया। कहाँ पहुँच गए? बोध गया, बिहार में। बिहार में किस नदी के तट पर पहुँचे? निरंजना नदी के तट पर। इसे फल्गु कहते हैं। इसे क्या नदी कहा जाता था पहले? फल्गु नदी। निरंजना नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष यानी पीपल भी है और वट भी है। ये पेड़ ऐसा है जिसके नीचे बरगद का पेड़ है और एक डाल उसमें से पीपल की निकल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं कि उसमें से एक पीपल की डाल निकल के आ जाती है, दीवारों पे भी बन जाती है। एपिफाइट प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे अधिपादप पौधे कहलाते हैं, जो यांत्रिक सहारा लेने के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर हो जाते हैं। बट पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने तपस्या करना पुनः शुरू कर दिया, और तपस्या करने के 7-8 दिन बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। देख लो खीर की महिमा। कहाँ इन्हें इतने दिनों में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ 6 वर्ष में कर्नाटक में, और यहाँ इन्हें 7-8 दिन बाद ही ज्ञान प्राप्त हो गया। ये जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी, ये ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई इनकी? संबोधि। क्या कहलाई? संबोधि। एक बार फिर बता दूं मैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग से पहले 4 दृश्य देखते हैं, एक रोगी आदमी, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति और एक वृद्ध व्यक्ति। सन्यासी के जीवन को सबसे अच्छा बताया जाता है महात्मा बुद्ध के द्वारा। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग की जो घटना होती है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गृह त्याग करने के बाद में कर्नाटक में एक जगह होती उरुवेला। कौन सी जगह थी? उरुवेला। इस उरुवेला में गुरु मिलते हैं इन्हें आलार कलाम। क्या नाम था? आलार कलाम। इस आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। कौन से दर्शन की? सांख्य दर्शन। पता है आपको सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्वी मीमांसा, उत्तरी मीमांसा, 4 भाग दर्शन, जिसे भौतिक दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन है, 6 दर्शन हैं। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली महात्मा बुद्ध ने। तो क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? आलार कलाम से। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। अब यहाँ पर क्या होता है, 6 वर्ष तक भीषण तपस्या की। यहाँ तपस्या से मतलब मैंने अभी बताया आपको, तपस्या की मतलब अंदर की जो इच्छा शक्ति थी इनकी, उन्हें शांत करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया? स्थान परिवर्तित कर दिया, क्योंकि यहाँ उरुवेला में इनका उपवास तोड़वा देते हैं सुजाता। जैसे सुजाता उपवास तोड़वा देती है, ये बोधगया पहुँच जाते हैं। बोधगया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर बट बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करने के 7-8 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना थी ये संबोधि कहलाती है। देखो बौद्ध धर्म में घटनाओं को याद रखना, ये घटना कभी कभी मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं ना कूट वाले, उस पर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ता है। क्वेश्चन आएगा, महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध कब पड़ा?
बुद्धू मत कर देना, बुद्धू एक जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ये बुद्ध है। यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, ये बनेगा कि महात्मा बुद्ध को बुद्ध कब कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त होने पर, गृह त्याग करने पर, मृत्यु होने पर, उपदेश देने पर। तो आंसर टिक करना है ज्ञान प्राप्ति होने पर। तो अब यहाँ कितने वर्ष की एज हो चुकी थी उनकी, 29 और 6 लगभग कितनी, 35 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो लेक्चर देना शुरू कर देता है, भाषण देना शुरू कर देता है। इन्होंने भी उपदेश देना शुरू कर दिया और उपदेश देने का क्रम इनका शुरू हुआ। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ ऋषिपत्तनम। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, प्रथम उपदेश, तो आपको पता होगा वो सारनाथ में। सारनाथ जिसे कहते हैं ऋषिपत्तनम, पहले क्या नाम था इसका, ऋषिपत्तनम। वर्तमान में सारनाथ को ही कह देते हैं वाराणसी। क्या कह देते हैं? वाराणसी। और जो पहला उपदेश दिया, इस उपदेश की जो घटना थी, इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उपदेश देने की घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस भाषा में दिया उपदेश, भाषा क्या थी इनकी? तो आंसर करना है आपको क्या, पाली। क्या करना है? पाली। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए इन्होंने? भाई पहला कहाँ दिया? सारनाथ में। सबसे ज्यादा कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। अब जो श्रावस्ती था यहाँ सबसे ज्यादा उपदेश दिए, इनका सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और यहाँ से क्वेश्चन बन जाए प्रिय शिष्या कौन थी, तो करना है प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। और ज़्यादा दिमाग मत लगाना, महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी इनकी पहली शिष्या बनी, प्रिय शिष्य आनंद था, और एक और था उपाली। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो टिक करना है आनंद। अब शिष्य यहाँ भी बन चुके थे, शिष्य यहाँ भी बन चुके थे। अब आदमी के दिमाग में विचार आता है कि जब शिष्य इतने ज़्यादा बन गए तो घर घर जाकर के पढ़ाने से बेहतर है, शिक्षा देने से बेहतर है एक जगह स्थिर कर दूं, जहां मुझसे शिक्षा लेने वाले आकर के खुद ही शिक्षा लेंगे। इन्होंने एक जगह स्थिर कर दी और उस जगह का नाम था बौद्ध संघ बना दिया, और बौद्ध संघ की स्थापना कर दी इन्होंने कहाँ? सारनाथ में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? सारनाथ में। एक बार फिर बताऊं मैं, महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय मैंने आपको शुरुआत में पढ़ाई दिया कि इनका जन्म 563 BC में लुम्बिनी में। देखो कहानी की तरह पढ़ो इसे, बिल्कुल प्रेशर मत लो। इनकी माता का नाम महामाया, जो जन्म देने के 7 दिन बाद खत्म हो जाती हैं। इनका पालन पोषण इनकी मौसी करती है। इनके पिता शुद्धोदन थे, जो कपिलवस्तु के थे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। मैंने बताया था इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी के बाद पुत्र होगा ही होगा, राहुल हो गया। सारथी चन्ना था, घोड़ा कंथक था। घोड़ा 3 ध्यान रखना, 3 से क्वेश्चन बनता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक, सिकंदर जो अलेक्जेंडर जैसे विश्व विजेता कहा जाता है उसके घोड़े का नाम बुकफेला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुकफेलस। सिकंदर का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था? बुकफेलस। और मैंने बताया था महाराणा जो प्रताप थे, उन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? इनका घोड़े का नाम क्या था? चेतक।
और मैंने बताया महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, जो महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है, कंथक। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है घोड़े से, और एक घोड़ी पूछ ली जाती है, वो राजस्थान के लोक देवता की, कि राजस्थान के लोक देवता थे एक, उनका नाम है रामदेव। ये रामदेव बाबा नहीं है, लोक देवता थे रामदेव, उनकी घोड़ी का नाम था लीलन। क्या नाम था? लीलन। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो या राजस्थान का कोई पेपर दो तो उसमें पूछा जा सकता है। तो देखो, आपको सिकंदर के घोड़े का नाम बुकफेला, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंतक, रामदेव जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनकी घोड़ी का नाम लीलन। ये याद रखना है। सांसारिक मोह माया में रहते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में लुम्बिनी शहर की यात्रा पर निकलते हैं अपने सारथी को लेकर के। वहाँ चार दृश्य देखते हैं, वृद्ध आदमी देखते हैं, रोगी देखते हैं, मृत व्यक्ति देखते हैं और सन्यासी देखते हैं। इन्हें सन्यासी का जीवन सबसे अच्छा लगता है, उसी दिन से पढ़ कर लेते हैं कि सन्यास लेना है। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग करने के बाद कर्नाटक पहुँचते हैं। कर्नाटक में गुरु आलार कलाम से मिलते हैं, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। 6 वर्ष तक उरुवेला में तपस्या करते हैं, परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। वहाँ सुजाता नाम लड़की खीर खिला के उपवास तोड़वा देती है, बोधगया पहुँच जाते हैं। बोधगया में तपस्या करने के 7-8 दिन बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि कहलाती है। संबोधि घटना के बाद में इनका नाम बुद्ध पड़ जाता है। तो सिद्धार्थ से बुद्ध नाम कब पड़ा? ज्ञान प्राप्ति होने पर। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 एज में, 35 वर्ष की अवस्था में। जैसे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उपदेश देना शुरू कर देते हैं। पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ में। किस भाषा में देते हैं? पाली में। उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्मचक्र प्रवर्तन। परिवर्तन मत कर देना, ये धर्मचक्र प्रवर्तन मत कर देना, प्रवर्तन। किस भाषा में दिया उपदेश? पाली में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। तो अब शिष्य तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो शिष्य जो था सबसे प्रिय कौन था? आनंद। अगर आनंद ऑप्शन में ना हो तो क्या टिक करना है? उपाली। सबसे प्रिय शिष्या कौन थी? इनकी मौसी गौतमी। जब आदमी के शिष्य ज्यादा हो जाते हैं तो दिमाग में विचार आता है कि ऐसी कोई संस्था बना दो जिसमें सभी एक साथ पढ़ सकें। इन्होंने एक संस्था बनाई बौद्ध संघ। कहाँ की स्थापना? सारनाथ में। बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना, जैसे हम एडमिशन कह देते हैं ना, ऐसे वहां प्रवेश होता था। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे, 12 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे, उनके लिए थी प्रवज्ञा। बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना को क्या कहते थे? प्रवज्ञा। 12 साल से कम उम्र के, सिर पे जो बाल रहने नहीं देते थे, प्रवज्ञा। और 12 साल से ऊपर के जो होते थे, उस प्रवेश की घटना को कहते थे उपसंपदा। क्या कहते थे? उपसंपदा। क्वेश्चन आता है, बौद्ध संघ में प्रवेश की घटना क्या कहलाती थी? उपसंपदा। तो अपने आप समझ जाना कि 12 वर्ष से ऊपर की बात कर रहा है, और 12 वर्ष से कम उम्र के जो होते थे उसे क्या कहते थे? प्रवज्ञा। समस्या कई है। यहां पर क्या होता है? महात्मा बुद्ध के समय पर एक घटना घटित और होती है, और वो घटना क्या घटित होती है? घटना घटित होती है, उसी समय एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल। क्या नाम था? अंगुलीमाल। उस तो क्या होता है, इन्हीं के समय पर घटना घटित होती है अंगुलीमाल की, क्योंकि मैंने बताया था अंगुलीमाल एक डाकू था जो क्या करता था कि जितने भी राहगीर उस जंगल से निकलते थे उनकी उंगलियों को काट लेता था। एक व्यक्ति की हत्या की तो एक उंगली काट लेता था और अपनी माला में डाल देता था। तो उससे इस चीज़ का ज्ञान हो जाता था कि मैंने इतने व्यक्तियों की हत्या की। वहाँ आस पड़ोस में सभी लोग इससे भयभीत थे, महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं भी उसी जंगल से गुजरूंगा, क्योंकि उससे कोई भी गुजरता था तो ये समझ लो उसकी जिंदा लौटना बहुत बड़ी बात थी।
महात्मा बुद्ध लौटे तो महात्मा बुद्ध के वचनों से वो इतना प्रभावित होता है डाकू अंगुली माल कि वो उनका शिष्य बन जाता है। तो क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि डाकू अंगुली माल का हृदय परिवर्तन किस धर्म सुधारक ने किया, महात्मा बुद्ध ने। इस समय क्या था कि बहुत सारी कुरीतियां फैल चुकी थी, गुप्त काल के बाद में बहुत सारी कुरीतियां आ चुकी थी धर्मों के अंतर्गत। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। जैसे इन्होंने प्रयास किए, उदाहरण के तौर पर इससे महात्मा बुद्ध आगे निकलते हैं और महात्मा बुद्ध ने क्या किया, कर्म का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि कर्म के सिद्धांत से बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा कर्म के सिद्धांत को महत्व देता है। इससे आगे की जो चर्चा करेंगे हम कल करेंगे। थैंक यू।